जय हिंद, वेलकम टू विजयपथ एजुकेशन पालमपुर। आज की इस क्लास में एचपी जेल बॉर्डन एग्ज़ाम 2024 के लिए रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट हम लगाएंगे। आप चेक करेंगे कितने क्वेश्चन आपके यहाँ से बिल्कुल सही रहते हैं। 10 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के, और आप साथ साथ में ट्राई कीजिए कि 10 में से आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही रहते हैं। हमारे हिमाचल पुलिस 2024 का भी ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है। विजयपथ ऑल एग्जाम प्रेपरेशन ऐप आप डाउनलोड कीजिए, और हिमाचल प्रदेश पुलिस के साथ साथ हिमाचल पटवारी तथा अन्य कोर्सेज को आप बिल्कुल नॉर्मल से प्राइस के ऊपर परचेज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन सीरीज के ऊपर बेस्ड रहेगा। इसमें आपको एक गैप जो है वो दिया गया है, वो आपको ढूंढना है। कमेंट आप जरूर कीजिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही रहते हैं। तो जेल बोर्डन का एग्जाम जो है वो आपका 28 जुलाई को होने वाला है पूरे हिमाचल में। तो उसके लिए आपका ये रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट रहेगा। आप चेक कीजिए कि कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पे बिल्कुल सही रहते हैं। सबसे पहले आपके पास ये सीरीज जो है वो दी गई है, आपको एक गैप जो है वो फाइंड आउट करना है। 4 है, उसके बाद आपके पास दिया गया है 32, फिर है 108, उसके बाद है 256, और उसके बाद गैप आपको दिया गया है। देखिए, जब भी आप इस चीज़ को कैलकुलेट कीजिएगा तो सबसे पहले गैपिंग मेथड आपको यूज़ करना है। लेकिन जब आप गैप निकालेंगे तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा गैप आएगा, 28 का गैप आएगा, फिर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गैप है, फिर यहाँ पे 100 से ज़्यादा का गैप आएगा। ठीक है, एक बार चेक हम कर लेते हैं साथ साथ में। 108 और 32 के बीच जो है वो 76 का गैप आएगा, उसके बाद 256 और 108 के बीच जो है वो 148 का गैप आएगा। अगर मैं डबल की बात करूं, 28 को अगर डबल किया जाता तो 56 आता है, 28 का अगर मैं ट्रिपल करता हूं तो 84 आता है, ये 76 नहीं बन रहा है। तो ये हमारा गैप यहां पर जो है वो यूज़ करूंगा। जैसे कि 2 है, तो 2 का मतलब क्या है, 2 का स्क्वेयर। अब 32 जो है वो किसके स्क्वेयर के आसपास आता है, तो 32 जो है वो हमारा 5 स्क्वेयर एंड 6 स्क्वेयर, ठीक है, नहीं बन रहा है, पैटर्न नहीं बन रहा। तो मैं इसको यहाँ पे एक चीज़ ये लिख सकता हूँ कि 2 का स्क्वेयर किया 4 और मल्टीप्लाई 1 कर दिया तो 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे मैं 4 का स्क्वेयर करेगा, 4 का स्क्वेयर 16 और 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 32 आ जाएगा। फिर यहाँ पे मैं करूँगा 6 का स्क्वेयर, ठीक है, 6 का स्क्वेयर किया 36, और 36 को मैं अगर 3 से गुणा करूँगा तो 108 आ जाएगा। फिर 6 के बाद आएगा 8, 8 का स्क्वायर कितना आता है, 64, और 64 को अगर मैं 4 से गुणा करूंगा तो मेरा 256 आएगा। तो देखिए पैटर्न क्या बन रहा है, स्क्वायर जब आप कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास आएगा 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 100 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 500 जो है वो आंसर यहाँ पे रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कमेंट जरूर कीजिए कि आपका आंसर जो है वो क्या यहाँ पे बन रहा है। बिल्कुल राइट आंसर आपके यहाँ पे रहने चाहिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ये आपका एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन है। आपके पास एक सीक्वेंस दी गई है कि 5 को जो है वो 124 लिखा गया है, 5 को 124 लिखा गया है, तो आपको बताना है कि आप 10 को क्या लिख सकते हैं। आप 25 में से अगर मैं एक कम कर देता हूं तो मेरे पास कितना बचता है, 124 ही हो रहा है, यानी कि प्रॉपर ढंग से मैच नहीं कर रहा है। जैसे अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको समझाऊं, ओड वन आउट का, जिसको विषम युगम भी हम कहते हैं। जैसे मैंने एक ऑप्शन लिखा, पहला ऑप्शन लिखा सेब, दूसरा ऑप्शन मैंने लिखा यहाँ पे संतरा, तीसरा ऑप्शन मैंने लिखा यहाँ पे गुलाब, और चौथा ऑप्शन जो है वो मैंने यहाँ पे लिखा कीवी, ठीक है, कीवी। तो यहाँ पे देखिए ये जो थर्ड ऑप्शन है गुलाब, ये मैच नहीं होता, ये हमारे जो है वो फ्रूट्स को शो कर रहे हैं, लेकिन जो थर्ड है गुलाब ये एक फ्लावर। ओड की बात करूं तो सारी ही टर्म्स जो है वो यहाँ पे ओड दी गई है, ठीक है, तो नहीं आता है, और उसके साथ साथ 97 भी किसी के पहाड़े में नहीं आता है, यानी कि ऑप्शन ए सी एंड डी ये प्राइम नंबर को शो कर रही है, लेकिन 51 जो है वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 3 अगर आपको देखने आती है तो आप इजीली जो है वो चेक कर सकते हैं, पहला अक्षर सी से है तो सी हमारा कॉमन आ जाएगा, उसके बाद सभी में जो है वो ओ दिया गया, एल आई के बाद ए आना चाहिए, ठीक है, तो ए वाली चीज यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे है सी आपके पास, यहाँ पर भी सी है, यहाँ पे ए है आपके पास, और यहाँ पे आपके पास है सी, तो सबसे पहले 4th आएगा, ठीक है, 4th आएगा,
ठीक है, सबसे पहले कौन सा आ गया, फोर्थ आ गया, ये चीज आपकी कैंसल आउट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने चेक किया ए तो आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका सी ए, सी ए और ये है सी आई, तो सी आई बाद में आएगा, सी ए पहले आएगा, सी ए टी और सी ए टी ये दोनों सेम है, ठीक है। वन एंड थर्ड में से अगला नंबर आएगा, टी तक तो सेम है, उसके बाद ई है और आई है, तो ए बी सी डी ई, ई सबसे पहले आएगा, तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन पहले आएगा, फिर आपके पास थर्ड आएगा और फिर टू आएगा, 4132, 4132 यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। डिक्शनरी के पैटर्न में आपको ये चीजें सेट करनी है कि जब आप इन चीजों को डिक्शनरी में ढूंढे तो सबसे पहले आपको जो है वो यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो मिलेगा, उसके बाद आपको फर्स्ट वाला मिलेगा, फिर थर्ड वाला मिलेगा और फिर कॉम्प्लेक्सिटी ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपको मिलेगा। सो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, 4132। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रहेगा। पोर्टर का कोड दिया गया है ओ एन एस यू एफ एस, आपको एक पैटर्न यहाँ पे लगाना है कि किस तरीके से आप पोर्टर को ओ एन एस यू एफ एस जो है वो लिख सकते हैं। मैं एक बार यहाँ पे लिख के आपको बता देता हूँ, पी ओ डबल टी ई आर, ये पोर्टर है, पोर्टर का कोड दिया गया है ओ एन एस यू एफ और एस, ठीक है। तो पी के बाद क्या आता है, पी के पहले, पी के पहले क्या आता है आपके पास, ओ आता है, तो यानी कि माइनस वन, ओ के पीछे एन आता है, टी के पीछे एस आता है, ठीक है। ज्यादातर हम गलती क्या करते हैं यहाँ पे, देखिए माइनस वन का पैटर्न चला तो हम जल्दबाजी में माइनस वन कर देते हैं, लेकिन आपको हमेशा चेक करना है कि जब आप फर्स्ट और सेकंड को ट्राई करें तो हमेशा एक बार लास्ट को आपने जरूर, थर्ड में जाएंगे टी से यू में जाएंगे, तो टी से जब आप यू में जाएंगे आप, तो आपके पास यहाँ पे टी के बाद यू आता है, यानी कि ये प्लस वन का पैटर्न है, ई के बाद एफ आता है, आर के बाद एस आता है, तो यानी कि पहले तीन जो हैं वो आपके पास माइनस वन के हैं और लास्ट के तीन जो हैं वो आपके पास प्लस वन के हैं, तो वैसे ही आप यहाँ पे डब्ल्यू ए एल में आप माइनस वन जाएंगे और के ई आर में आप सभी प्लस वन जाएंगे, तो डब्ल्यू से जब आप एक पीछे जाएंगे तो आपके पास आएगा वी, फिर ए के पीछे आएगा जेड, एल के पीछे क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, फिर के के बाद आएगा एल, ई के बाद एफ और आर के बाद आ जाएगा एस, तो डब्ल्यू जेड के, डब्ल्यू जेड के, डब्ल्यू जेड के, एल एफ एस यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आई होप आपका ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका कैलेंडर के चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन आपके लिए पूछे जाते हैं। अर्णव का जन्मदिन मंगलवार 14 मार्च को है, यदि प्रणय का जन्म 13 सितंबर को हुआ तो उसी वर्ष प्रणय का जन्मदिन किस दिन जो है वो मनाया जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अर्णव की, अर्णव का जन्मदिन जो है वो कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है मंगलवार को, यानी कि ट्यूजडे के दिन उसका जन्मदिन मनाया जाता है, और कौन सा दिन है, 14 मार्च का दिन है, 14 मार्च जो है वो डेट बताई गई है, और उसी मंथ जो है वो प्रणव का भी जन्मदिन हमने मनाना है, लेकिन आपको डे बताना है और दिन आपको दिया गया है, डेट आपको दी गई है कि 13 सितंबर को जो है वो उसका जन्मदिन होगा, लेकिन आपको दिन बताना। तो देखिए कैलकुलेट कैसे करेंगे, सबसे पहले आप मार्च के जितने पेंडिंग डेज हैं उनको आप लिखेंगे। देखिए मार्च होता है कितने दिनों का, 31 दिनों का, जिसमें से 14 मार्च तक तो हो गया, तो बचे कितने, 17, ठीक है जी, 17 बचे, उसके बाद अप्रैल आएगा, अप्रैल 30 का आएगा, अप्रैल के बाद मई 31 का, ठीक है, 31 मई हो गया, फिर आपके पास आएगा जून यानी कि 30, फिर आएगा जुलाई कितने का है, जुलाई है आपके पास 31 का, उसके बाद अगस्त भी आपके पास 31 का, और सितंबर, देखिए सितंबर हमें पूरा नहीं जाना है, हमें सितंबर कहाँ तक जाना है, सिर्फ 13 तारीख तक, क्योंकि उस समय उसका क्या होगा, जन्मदिन होगा, तो सभी को आप ऐड करेंगे, ठीक है। इतने दिन हम आगे गए, यानी कि 14 मार्च से लेके जब हम 13 सितंबर तक जाएंगे, तो इसका मतलब है कितने दिन आगे गए, इसको सभी को आप ऐड करेंगे, तो 183 डेज जो है वो आप आगे चले गए। तो इसको दिन को कैलकुलेट करने के लिए आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये हफ्तों में डिवाइड करेगा, वीक्स में, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको मेथड बता देता हूँ, सिंपल सा आपको डिवाइड करना है,
ये 7 से 2 से कट जाएगा, ये 14 आएगा, यहाँ पे आपके पास पेंडिंग बचेगा 4 एंड 3, ठीक है। उसके बाद 6 से चला जाएगा, 6 7 जो होते हैं वो 41 होते हैं, सॉरी 42, ठीक है। और आपके पास 1 जो है वो पेंडिंग बचेगा, यानी कि 26 वीक आएंगे और 1 डे आपके पास बचेगा। तो 26 वीक, इसमें कोई भी दिन आपका चेंज नहीं होता, इसको कट करेंगे तो 1 डे आपको जो है वो आगे जाना है। तो मंगलवार से जब आप एक दिन आगे जाएंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ब्लड रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आपके पास दिया गया है ए बी का पुत्र है, सी और बी बहने हैं, ई सी की माता है, डी ई का पुत्र है। तो आपको बताना है कौन सा कथन जो है वो सही है। सबसे पहले हम इसमें जो है वो एक जो भी पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है डायग्राम बेस्ड, उसको हम यहाँ पे जो है वो सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले देखिए बी का बेटा कौन है, बी का पुत्र कौन है, ए है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने कौन बनाया, यहाँ पे हम बनाएंगे बी को, और बी का बेटा कौन है, ए है, ठीक है। उसके बाद बी और सी बहने हैं, ठीक है, बी की बहन कौन है, सी, और सी की बहन है बी। ई की माता कौन है, ई सॉरी सी की माता है ई, तो सी की जो मम्मी है, सी की जो मम्मी है वो कौन है, वो है ई, ठीक है। उसके बाद बोला गया है ई का बेटा कौन है, ई का बेटा है डी। जब ई का बेटा डी है तो इसका मतलब सी का क्या हुआ, वो भाई हुआ, तभी तो वो बेटा लगेगा, ठीक है जी। ये आपके पास टोटल डायग्राम बनेगा। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया गया है ए का मामा कौन है, डी। तो देखिए ये आप हैं, ये आपकी मम्मी, ये मम्मी की बहन यानी कि आपकी मौसी, और आपकी मौसी का भाई यानी कि आपकी मम्मी का भाई भी हुआ, तो आप उसको क्या बोलेंगे, आप उसको बोलेंगे मामा, ठीक है। मम्मी का भाई जो होता है उसको मामा बोलेंगे। सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही है, तो बाकियों को चेक करने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, एक लड़की दक्षिण की ओर 30 मीटर चलती है, बायलिंगुअल फॉर्म में मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। दक्षिण का मतलब होता है साउथ डायरेक्शन, ठीक है जी। ये आपकी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होती है, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। चार डायरेक्शंस होती हैं, दक्षिण का मतलब होता है साउथ। एक लड़की चली, ठीक है जी, साउथ की तरफ चली उस, ठीक है, उसको चलाते हैं, इसका स्टार्टिंग पॉइंट आ गया, यहाँ से चली साउथ की तरफ, कितनी गई, 30 मीटर गई नीचे की तरफ। फिर वह दाहिनी ओर मुड़ती है, दाहिनी का मतलब होता है राइट साइड, राइट साइड जब वो मुड़ी, जब यहाँ से वो राइट साइड मुड़ेगी तो कितनी गई, राइट साइड मुड़ के फिर से 30 मीटर चली गई, ठीक है जी। फिर वो बाईं ओर मुड़ी यानी कि लेफ्ट साइड मुड़ी, फिर वो जब लेफ्ट मुड़ेगी तो नीचे की तरफ मुड़ेगी और कितनी गई, 20 मीटर गई। फिर वो दोबारा लेफ्ट मुड़ी, ठीक है जी, फिर से वो लेफ्ट जब मुड़ी तो इस डायरेक्शन में जाएगी और कितना गई, 30 मीटर गई, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ पे वो रुक जाएगी 30 मीटर। अब आपको बोला गया है कि स्टार्टिंग बिंदु से, ठीक है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है। तो देखिए यहाँ से वो चली थी, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये जो है वो उसका एंडिंग पॉइंट है। तो आपको यहाँ से लेके जो है वो यहाँ तक का डिस्टेंस बताना है। तो यहाँ ये वाला जो डिस्टेंस आपके पास, ये वाला, ये आपके पास दिया गया 30, और यहाँ से ये वाला डिस्टेंस आपको बताना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 20। तो 30 एंड 20 टोटल आ जाएंगे 50, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपके पास दिया गया है, ये इसका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसका आंसर आप बताइए। मैथमेटिकल ऑपरेशंस के ऊपर ये बेस्ड आपका क्वेश्चन रहेगा। आपको एक सीक्वेंस दी गई है 5 + 3 / 6 (9 - 2) = 21। आपको बताना है कि यहाँ पे जब आप 5 और 9 को, ठीक है, जैसे ऑप्शन ए में दिया गया है, जब 5 एंड 9 को अगर आपस में आप चेंज कर देते हो तो क्या वो 21 बनता है या नहीं बनता, तो ये एक बार चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक बार सीक्वेंस लिख लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया गया है, 5 + 3। आपको भी इस तरीके से ही क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करना है, (multiply by 9 - 2), ठीक है। अब आपको 5 की जगह 9 लिखना है और इसे 9 लिख देना है, 5 लिख देना है, फिर चेक करना है क्या ये 21 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तब तो ऑप्शन सही है, नहीं बन रहा तो आप सेकंड ऑप्शन को चेक करेंगे, ठीक है जी। तो आपके पास ये आपको मेथड पता है, बोर्ड मास का हम यूज करेंगे, डिवाइड बाय 6 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 - 2, ये कट जाएगा, आपके पास 2 बचेगा, ये 9 प्लस के 5/2 एंड -2। 5/2 का मतलब हुआ 2.5 और 2 जो है वो 11 और 11.5, 11.5 और 2 जो आएंगे तो 21 तो नहीं बनेगा। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वो गलत है।
ऑप्शन बी को फिर यहाँ पे आपके पास 5 था, यहाँ पे आपके पास 9 है, यही लिखना है। अब आपको 6 और 3 को चेंज करना है, जगह आपको 6 लिखना है, जगह आपको जो है वो 3 लिखना है। तो आप इसको चेक करेंगे, 5 प्लस 3 से 6 को आप डिवाइड करेंगे 2 आएगा, मल्टीप्लाई 9 माइनस के 2 बोर्ड मास में, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस के 18 माइनस के 2, फिर 5 और 18 आप ऐड करेंगे 18, ये आपके पास बनेंगे 23 माइनस के 2, तो आपके पास बनेगा 21, जो कि ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है। सो ऑप्शन बी इसका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। सो ये हमारे सारे रीजनिंग के क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन का हमने एक सेट लगाया, और आप कमेंट कीजिए कि कितने क्वेश्चन जो है वो आपके यहाँ पे बिल्कुल सही जो है वो रहे हैं। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। जल्दी ही नेक्स्ट क्लास के साथ मैं आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए आप अपनी प्रैक्टिस जो है वो जारी रखें। जय हिंद, जय भारत।